कैसे सीटेट की तैयारी करें, मुझे आप लोग कमेंट करके बताना क्या मुझे ऐसा करना चाहिए अगर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसमें आज व्यक्तित्व का निर्धारण और कुछ इसके सिद्धांत, तो ये आज मैं रीड करने वाला हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स शिक्षण विधि, जिसमें आज अभिक्रमित अंदेशन पढ़ने वाला हूँ। मैं ये टॉपिक आज फिनिश करने वाला हूँ, जिसमें एक इधर व्याख्यान विधि है और अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों पिछले वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि किसी का कमेंट था कि हम किस टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज किसकी लगाएं, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक से या किसी भी ऐप से आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए जो कि सी टेट की होनी चाहिए, तो उससे आप प्रैक्टिस करो। उसमें ओल्ड पेपर भी दिए जाते हैं और बाकी नए नए टेस्ट भी उसमें दिए जाते हैं, तो आप किसी से भी खरीद सकते हैं वो। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि घर बैठ के कैसे सी टेट की तैयारी करें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर सी टेट की तैयारी करना है अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सबको ही पता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप कोशिश करो किसी भी ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हों, जो फ्री में पढ़ा रहे हों, तो उनकी आप मैराथन लीजिए, क्योंकि इतने दिन में कोर्स आप कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे, तो उनकी मैराथन लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं उसकी मैराथन लीजिए और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डेली, उसके क्वेश्चंस को लिखो हर मैराथन के क्वेश्चंस को और उसको लर्न करो। 90% उसमें से आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि अब सी टेट के मात्र 47-48 दिन बचे हैं, तो हम लोगों को कोशिश करना है इतने से ज़्यादा उसकी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो। मेरा भी सब्जेक्ट हो गया तो मैं अब डेली टेस्ट प्रैक्टिस किया करूँगा, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं जो भी टेस्ट सीरीज लगाऊँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं डेली एक टेस्ट जो भी सॉल्व किया करूँगा वो आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दिया करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। राम राम।